खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां केवलारी ग्राम पंचायत में पिछले एक महीने से बिजली नहीं है। बता दें कि गांव में लगा ट्रांसफार्मर पिछले एक महीने से बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। बता दें कि ग्रामीण बिजली की समस्या को लेकर जन सुनवाई सहित अन्य जगहों पर शिकायत करते हैं और अब ग्रामीण गांव के चौपाल में बैठ गए हैं। सबसे बड़ी विडंबना देखने को यह है कि विद्युत विभाग टीसी कनेक्शन एक मुश्त रकम जमा कर एक समय सीमा निर्धारित कर बिजली देने का कार्य करती है। ऐसे ग्राम पंचायत केवलारी में अनेकों 18 से 20 किसान हैं जो टीसी कनेक्शन धारी है, जो 10-10 हजार रुपए एडवांस जमा करके बिजली कनेक्शन उन्होंने लिया है। वहीं अगर बिलों की बात की जाए तो हर घर में मीटर लगे हुए हैं, बावजूद इसके पूरा गांव अंधेरे में है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों के छात्राओं ने भी बिजली ना होने की समस्या को बताया है। समस्या ये है सर कि हम एमपीपी को 28-10 को आवेदन दिया, उसकी पौती हमारे साथ है और लमसम एक महीने से हमारे यहाँ का गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। 400 के कम से कम बस्ती है और यहाँ पे कुल जो रीडिंग लेने आ रहा है वो पैसे की मांग करता है, अनाप शनाप लोगों की रीडिंग लेता है, जिसमें अनाप शनाप लोगों के पास बिल पहुँचते हैं। सर मैं 10 HP का उपभोक्ता हूँ, मैं हर जगह जा चुका हूँ, 181-12-19 और जे के पास गया तो वो जे उसके पास भेजता, वही उसके पास भेजता, जी के पास गया बोले आप राशि जमा करा, मैं अपने की जवाबदार हूँ, किसी के जवाबदार नहीं। एक महीने से लाइट नहीं आ रही, हम लोग पढ़ते हैं, हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं, अभी 16 को हमारा एग्जाम है तो रात लाइट ही गोल रहे तो कैसे पढ़े, कुछ है ही नहीं, मोमबत्ती दिए चला के पढ़ते हैं, आँख भी कैसे दिखने लगी, वैसे काला काला से आँख में और ऊपर से सर दर्द देने लगता है, इतनी रात को पढ़ो अंधेरे में तो उससे हमारे हम बीमार भी हो जाते हैं। अब रात रात भर पढ़ेंगे बिना लाइट के तो आँख में तो कोई असर होगा ही, और ट्रांसफार्मर की एक महीने से खराब है। ये बात सही है कि ट्रांसफार्मर वहाँ का जला है, 63 KV का ट्रांसफार्मर है जिसमें जो है 63 नग उसमें उपभोक्ता है और जिसमें बकाया राशि 1,90,000 रुपया है। अगर उसमें 50% तो अगर उपभोक्ता अगर जमा कर देते हैं पैसा तो ट्रांसफार्मर तत्काल बदल दिया जाएगा।